सबसे पहला कंग्रेचुलेशन सर, आप टीम स्मार्ट इन्फोविजन का हिस्सा हैं, तो ये लीजिए माइक। तो सर ओवरऑल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो जर्नी रहा है एजुकेशन लाइन को लेके, कब आपने स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? सर सबसे पहले तो मैं आपका, सर अमित सर का और पूरी स्मार्ट इन्फोविजन टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अक्सर मैं उनके वीडियोस देखा करता था, चंदन मिश्रा सर और विकास तिवारी सर, और ये उन्हीं के टीम मेंबर हैं जिनका मुझे बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा। और इनका जो डेडिकेशन है ये देख के तो मैं दंग ही रह गया। ये पिछले एक रात से सोए भी नहीं है और इनका जो जुनून और जज्बा देखकर मुझे बहुत सी सीख मिली है। और ये जो है यहाँ पे उतने ही अपने मतलब टीम के प्रति इतना इनका कर्तव्य निष्ठा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने अपना बखूबी पूरा काम किया है और अभी मुझे ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, सब कुछ सिखाने वाले हैं, तो ये मुझे स्मार्ट इन्फोविजन का बहुत अच्छा लगा। और साथ में सर ने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए कहा है, तो मैं एक बात कहूँगा कि चैनल पर जो इतने सब्सक्राइबर हैं ये सब बच्चों का सपोर्ट है। और हालाँकि आप लोग तो टीचर होंगे और आदरणीय भी है मेरे लिए जो देख रहे हैं, क्योंकि सर के जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो टीचर्स लोग ही हैं, तो उनके लिए तो मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और मैं भी एक छोटी सी शुरुआत लेकर मतलब शुरू किया था मैंने और आज यहां तक पहुंचा हूं। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट भी रहा है और ये सब उनका प्यार रहता है। और उसमें दो चीज़ें रहती हैं, पहली होती है निरंतरता और दूसरी होती है क्वालिटी। मतलब कंसिस्टेंसी और क्वालिटी दोनों अगर आपके वीडियो में देखने को मिलेगी तो बच्चे आपसे जुड़ते जाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको, यदि आप टीचर हैं तो आपको भी ये मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब कि डेली बेसिस पर आपको वीडियोज़ बनाने हैं और उन वीडियो पर आपको रेगुलर मतलब कि जो क्वालिटी है उसको आप पहले इनहेंस अच्छे से करिए, आप खुद उस पर रिसर्च करिए फिर वीडियो बनाइए। ऐसा नहीं आपको करना है कि लाइव आप घंटों के लिए हैं लेकिन उसमें कुछ मतलब का आप कह नहीं रहे हैं, सिर्फ बच्चों के नाम पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। और ये भी है सर, जैसे अमित सर ने पूछा जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं एक्चुअली मैं शुरू से ही बचपन से ही मैं मतलब छोटी क्लास में था, 10th में था तो भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, 12th में तो भी बच्चों को पढ़ाता था, तो वहाँ से मतलब मेरे अंदर एक्सप्लेन करने की क्षमता है। मतलब ये नहीं होता कि टीचर एक एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा विद्वान हो, जो उसे आता है वो उसे यदि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है तो वो एक अच्छा टीचर है। मेरे अंदर मुझे लगता है ऐसा कि मुझसे कोई भी चीज़ बनती है तो मैं उसको सर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, और इसलिए सर मैं यूट्यूब पर थोड़ा